नमस्कार, आप सबका स्वागत है। झारखंड की अर्पिता तिवारी की मुंबई में रहस्यमय हालात में हुई मौत के मामले का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। 11 दिसंबर को मॉडल एंकर और होस्ट अर्पिता की 15वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। उसकी मौत अनसुलझी पहेली बनती जा रही है। वहीं मामले में सामने आया है कि पिछले साल अर्पिता छठ के मौके पर अपने घर जमशेदपुर आई थी। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड फ्रेंड पंकज यादव भी आया था। घर में छठ के दौरान दोनों साथ थे। करीब एक महीने तक उसका बॉयफ्रेंड भी यही था। दोनों एक साथ घूमने जाते थे। घोड़ा बांधा के सरस्वती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 34 में रहने वाले त्रिवेणी नाथ तिवारी की 24 साल की बेटी अर्पिता तिवारी की मौत के मामले में पुलिस को सुराग ढूंढने में अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। अर्पिता ने हिल टॉप स्कूल में पढ़ाई की थी, जिसके बाद उसने मुंबई में इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक्टिंग का क्लास भी की थी। पड़ोसियों के मुताबिक बचपन से ही वे फैशन और फिल्मों में काम करना चाहती थी। इसके चलते वो मुंबई चली गई थी। हत्या की मौत की खबर मिलने के बाद उसके पिता और अन्य लोग मुंबई में ही हैं। उनके घोड़ा बांधा वाले घर पर ताला लटका हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो फ्लैट में मौजूद नौकर ने इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा किया है। उसने उस रात एक लड़के को अर्पिता के कपड़े खोलते हुए देखा था। पुलिस को दिए बयान में घर के नौकर ने बताया है कि सोमवार सुबह 5:40 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा कि एक लड़का अर्पिता के बेहद करीब में सो रहा था। जब वे सोने गए थे तो तीनों अलग अलग सो रहे थे। नौकर के मुताबिक उसने सबसे कम शराब पी हुई थी और जब आंख खुली तो देखा अर्पिता के बगल में सोया लड़का कपड़े हटा रहा था। नौकर को जगा देख वे वापस आंख बंद कर लेट गया। नौकर को लगा कि यह सब अर्पिता की मर्जी से हो रहा है और वे चुपचाप चला गया। परिवार को अर्पिता की मौत को लेकर सबसे ज्यादा शक उसके बॉयफ्रेंड पंकज यादव पर है। अंकिता की बहन ने आरोप लगाया है कि पंकज और अर्पिता के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। दोनों अलग होना चाहते थे। पंकज ने भी इस बात को पुलिस के सामने कबूल किया है। उसने बताया है कि उसका और अंकिता का तकरीबन ब्रेकअप हो चुका था। पंकज के मुताबिक वारदात वाले दिन पंकज, अर्पिता और अमित तीनों हॉल में सोए हुए थे। वहीं बाकी दोस्त दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे। अर्पिता की मौत के मामले में प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी, लेकिन मौत की वजह मल्टीपल इंजुरी है। ये इंजुरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो कूदने की वजह से या फिर ऊपर से नीचे फेंकने की वजह से। अर्पिता के शरीर पर चोट के निशान थे। मालवणी पुलिस के मुताबिक अर्पिता मीरा रोड इलाके में उसकी बॉडी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के टेरेस पर अंडरगार्मेंट्स में मिली।